दोस्तों एक्सेल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम तीन फार्मूले के बारे में जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहला फार्मूला यह है कि जैसे मान लीजिए काउंट ब्लैंक, दोस्तों जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में एंट्री किए हैं और एक्सेल में एंट्री किया हुआ है लेकिन कौन सा सेल, मतलब कई जगह आपके सेल जो है वो ब्लैंक है। अगर आपको अब जानना है कि हमारे इस एक्सेल के शीट में कितने सेल ब्लैंक हैं, तो दोस्तों आप इस काउंट ब्लैंक फार्मूले के मदद से आसानी से जान सकते हैं कि कुल कितने सेल ब्लैंक हैं। दोस्तों दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। दूसरा फार्मूला यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपने एंट्री किया हुआ है और एक ही कॉलम में आपने एंट्री कर दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि कोई नाम है, जैसे मान लीजिए सचिन कुमार या रवि कुमार या मनीष सिंह, ऐसे आपने कई नाम एंट्री कर दिए लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमको अलग अलग टाइप करना था। अब आपको क्या करना होगा कि अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम बार बार एडिट करेंगे, तो इसके लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम फार्मूला, टेक्स्ट टू कॉलम सेटिंग का यूज करेंगे जिससे आसानी से हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला यह है कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है मैंने अलग अलग कर दिया हुआ है और हमको एक में चाहिए, तो यहाँ पर हम कंकेटिनेट फार्मूले का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इन तीनों फार्मूले को सीखने के लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी न्यू वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। काउंट ब्लैंक की हम बात करते हैं, जैसा कि हमने कहा कि वीडियो के इंट्रो में कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारे कितने सेल खाली हैं, किसके अंदर एंट्री नहीं हुई है। तो चलिए हम अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ, इसके अंदर हम कोई एंट्री कर लेते हैं, इतनी एंट्री कर लेते हैं और एंट्री करने के बाद अभी मैं क्या काम करता हूँ, कुछ सेल के अंदर से डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अगर हम आपसे पूछे हैं कि इसके अंदर कितने सेल खाली हैं जिनके अंदर एंट्री नहीं हुई है तो आपको काउंट करने में बहुत समय लगेगा, तो इसके लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं। इसके लिए आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू साइन और टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, कोष्टक लगाएंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है रेंज, इसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा जितने के अंदर एंट्री हुई है, कोष्टक बंद करने के बाद एंटर कर देंगे। 15 सेल के अंदर एंट्री नहीं हुई है, आप अगर काउंट करना चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एंट्री की हुई है रवि कुमार मनीष सिंह, सब एक सेल के अंदर एक कॉलम के अंदर एंट्री हुई है लेकिन अब चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो जाए, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं या पहले हम जितने को हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग करना है वो पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा मेनू में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाने के बाद नेक्स्ट कर देना है और फिर यहाँ पे एक स्पेस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम चेक कर देंगे। चेक करने के बाद फिर नेक्स्ट, फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हो चुका है। अब इसके लिए क्या काम करें, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर लें और यहाँ पर एक रो की एंट्री कर लें। अब आप यहाँ पर टाइप कर दें फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम, आपका काम एकदम आसानी से हो गया। अब बात आती है तीसरे नेम के लिए, कंकेटिनेट फार्मूले पे हम आते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो नाम रोहित शर्मा अलग, विराट कोहली अलग, लेकिन हमें इन दोनों नाम को एक में करना है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू कंकेटिनेट, कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू दे रहा है, टेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे कामा फिर टेक्स्ट टू पे, कोष्टक बंद करके एंटर मार देंगे। अब लेकिन आप देख रहे हैं रोहित शर्मा एक में आ गया है, फिर से हम इक्वल टू साइन लगाते हैं और फार्मूला लगाते हैं कंकेटिनेट का, फिर टेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे कामा टेक्स्ट टू, कोष्टक बंद करके एंटर। अब देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग दिया था और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेस आए, विराट और कोहली में स्पेस आए, तो इसके लिए चलिए हम फार्मूला बता देते हैं। यहाँ पे जो हमने कामा दिया हुआ है इसके बाद हम डबल इनवर्टेड कामा लगाएंगे, फिर स्पेस, फिर डबल इनवर्टेड कामा और फिर एक सिंगल कामा और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेसिंग आपको मिल जा रहा है। दोस्तों तक शेयर करें, दोस्तों अगर कोई भी एक्सेल के अंदर कोई भी क्वेरी हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कंप्यूटर के टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे।